नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी सही है या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सही है। दोनों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे कौन सा यूनिवर्सिटी किस प्रकार की फैकल्टी को हम लोगों के बीच में लाता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यदि आप भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा राह देगा, सही जाने का तरीका बताएगा कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी जो है जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उन लड़कों की जो लड़के चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम कॉलेज में नाम लिखा लें और उसके बाद अलग से जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, अलग से नीट की तैयारी करें या अलग से तैयारी करें, कॉलेज की तैयारी नहीं करें, कॉलेज का कुछ नहीं करें, सिर्फ एग्जाम में बैठे जाकर सिर्फ एग्जाम दें, पोथिया पसार आपको क्या होगा कि गाइड लेकर जाएं या छाप दें, तो आपके लिए बेस्ट होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जाकर एडमिशन करवाइए, फॉर्म भरने का समय आए जाकर फॉर्म भरिए, परीक्षा देने का समय आए जाकर परीक्षा दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पटना, यदि उन लड़कों की, यदि आप चाहते हैं कि हम कॉलेज करें, कॉलेज कर जो अपना विषय ऑनर्स विषय हो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लें, यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, एक अच्छा अपने आप को लेवल तक पहुँचाएँ, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा पटना यूनिवर्सिटी। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पर डे क्लास चलता है, पर डे क्लास चलता है, आपको हर एक मतलब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई होगी, जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा उस 2 घंटे की होगी, जो आपका सब्सिड्यूल होगा 1-1 घंटे की होगी। तो यदि आप कॉलेज करना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, एक अच्छे माहौल पढ़ाई का माहौल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। परंतु आप यदि चाहते हैं कि सिर्फ हम कॉलेज करें, अलग से तैयारी करें, जैसे कि रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसी प्रकार की तैयारी करें और अपना जो कॉलेज है कॉलेज में सिर्फ नाम हो और एग्जाम के टाइम में जाकर एडमिशन करें, एग्जाम दें, तो आपके लिए बेस्ट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो यही है पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अंतर। पटना यूनिवर्सिटी जो देता है हॉस्टल की फैकल्टी देता है, हॉस्टल की सुविधा देता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी बड़े कॉलेज में, एन कॉलेज हो या कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, कोई भी कॉलेज हो, टीपीएस कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ हॉस्टल की फैकल्टी नहीं है। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई दोनों कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में भी होती है, पाटलिपुत्रा के बहुत सारे कॉलेजों में होती है, बट वो होती है सप्ताह के 2 या 3 दिन। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में क्या होती है कि सप्ताह के 7-8 दिन पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई के मामले में पटना यूनिवर्सिटी जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बहुत आगे है। खेल कूद के भी मामले में पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बहुत आगे है। परंतु पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की एक खासियत बात है कि आप वहाँ पर एडमिशन ले लें, कॉलेज जाएँ या न जाएँ, आपको एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। इससे क्या राहत होता है कि जो छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और जनरल कंपटीशन में लगे हुए होते हैं, फर्स्ट डिवीजन ऐसे भी वो पास कर जाएंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, उसके बाद 3 साल वो क्या करते हैं पूरी अच्छी तरीके से जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं और जैसे उनका उम्र होता है वो किसी नौकरी में चले जाते हैं। परंतु पटना यूनिवर्सिटी का वाले छात्रों का क्या होता है कि वो पहले 3 साल पटना यूनिवर्सिटी में रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको जो नॉलेज होता है उसके बाद वो 1-2 साल की तैयारी करके कोई भी जनरल कंपटीशन या कंपटीशन को निकालते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बस यही अंतर है। आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। करंट अफेयर्स का डेली एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस अपने चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।